हमको नहीं पता भाई, तीन उस तरफ से पहाड़ है, सब घेर लिया, कहाँ जाओ अब तू बता भाई ये बात। हेलो भाई, अरुण पवार इंट्री आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज की तारीख अगर मैं आपको दिखाऊं तो 7 अगस्त हो लिए भाई आज ना, ये आप देख सकते हो मंडे 7 अगस्त। हमारे यहाँ जो काम हुआ था, वो हिंसा जो हुई थी वो हुई थी भाई साहब 31 जुलाई 2023 में, ठीक है, हफ्ता भर हो गया है। और हमारी आम जनता यहाँ इतनी परेशान हो रही है, इतनी परेशान हो रही है। देखो वहाँ उपद्रवियों, एक मिनट, सबने भाई वो कर दिया, दंगा फसाद, गाड़ी जलानी, सब काम कर दिया उन लोगों ने तो, ठीक है। अब उनकी कार्रवाई हो रही है, उनके घर तोड़ रहे हैं, बुलडोजर चलवा दिया, फाइनली थैंक गॉड खट्टर सरकार जी जाग गए। हमारे श्री 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 मनोहर लाल खट्टर जी, 121 बार लगा दो उनके आगे श्री, थैंक गॉड। वरना उन्होंने तो बोल दिया था कि भाई पुलिस हर किसी की रक्षा नहीं कर सकती, और 60,000 पुलिस वाले हैं, 3 करोड़ हरियाणा की आबादी है, हम किस किस को वो करें। तो मैं मतलब ज़्यादा बोलना नहीं चाह रहा था इस मुद्दे पर, पापा हमारे थोड़े मना करते हैं कि इन चीज़ों को मत बोला, पर मेरे पर रहा नहीं जा रहा। तो मैं यही बोल रहा था, जब टीवी में हम अपनी में रात को सारे घर वाले बैठ के देखते हैं टीवी, तो मैं यही कह रहा था उसी टाइम कि अच्छा अगर पुलिस नहीं कर सकती तो भाई अपने अपने हाथों में ले लेते हैं हम डंडा। फिर अगर भाई जब पुलिस सुरक्षा नहीं कर सकती तो फिर हम खुद अपनी सुरक्षा कर लेते हैं। फिर तुम बताना कि तुमने कैसे वो कर दिया, कैसे किसी पे डंडा मार दिया। भाई जब पुलिस सुरक्षा नहीं कर सकती तो हमें तो अपनी अपनी फैमिली की सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। तो मतलब ऐसे मुद्दे हैं यार, ये पॉलिटिशियन कुछ बोलने से पहले कुछ सोचते ही नहीं है। और खट्टर जी तो हमारे हैं ही, 2024 में हम तो जोड़े हाथ, कसम से हमने पिछली बार भी खट्टर को वोट दी, उससे पहले भी सेंट्रल में तो मोदी एक नंबर है, लेकिन यहाँ हमें हरियाणा में बीजेपी से 1% सेटिस्फेक्शन नहीं है। हम तो बोलेंगे भाई पॉलिटिक्स के ऊपर, अब ना रहा जाता यार, इतना सब देखने के बाद इतने परेशान हो रहे हैं। हमारा काम धंधा सारा इंटरनेट का है, ठीक है, A to Z जितनी भी कमाई धमाई जो भी है सब इंटरनेट के थ्रू है, जितने भी आज बैठे हैं। आजकल भाई इंटरनेट ऐसी चीज़ हो चुकी है, किसी को कोई नहीं रह सकता उसके बिना। और हमारा दिनेश पवार, आपने कभी हमारे घर पे ऐसे नहीं देखा होगा लेटा हुआ, क्या भाई साहब खड़े होइए एक बार, क्या है आपका कारण, क्या है मतलब आप इसको फोन को देखने आ रहा हूँ, मेरा इतना मन नहीं लग रहा, इतना दुखी है रहा, इतना परेशान है रहा हूँ। मेरे किसी कहीं धंधा कोई काम नहीं चल रहा ना, कुछ मेरी किसी से कोई बात नहीं हो रही है, नहीं कोई कह मेरे वीडियो कॉलिंग करिए भाई ये करिए वो करिए। भाई जब मेरे यहाँ पर नेट नहीं आ रही तो मेरे नेट कहाँ से चल जा। तो फिर मैं सोचा यार कि यार वो है रहा है, ऐसा हो रहा है। तो सरकार ने कभी कहते हैं ए भाई अब क्या कह रहे हैं, नेट बंद हो गया 3 तारीख तक, नेट बंद हो गया, अच्छा 3 तारीख से लेकर फिर 5 तारीख तक नेट बंद, अब 5 तारीख से लेकर फिर 8 तारीख तक बंद, अब 8 तारीख कल आएगी उसके बाद फिर पता चलेगा चलेगा कि ना चलेगा। कल का किसी भाई ने मोबाइल में रिचार्ज करा लिया तो वो बैलेंस कहाँ जाएगा जब तक वो नहीं चलेगा। तारून आप बताइए भाई, देखो नेट नहीं चलेगा, गरीब किसान आदमी हमारे हैं, ये कैसे कैसे रिचार्ज। देखो अभी मैं फोन चालू कर रहा हूँ, अब देखियो अगर आपको कोई चलता दिख रहा है तो भी बता दे। देखो क्या तो बैठे रहे हमें, आपको कुछ भी दिख रहा है इसमें देख लो, जो मैंने भी चालू भी कर दिया, देखो बताइए आप, बिल्कुल नहीं चल रहा भाई ये तो, हमारा पैसा भी नहीं जा रहा है इसमें। कितने का रिचार्ज करवाया था आपने? मैंने 239 रुपए का रिचार्ज कराया था। कितने दिन के लिए? इतने दिन के लिए, 1 महीने के लिए, और अब 10 दिन की तो यही नहीं चलेगी, अब 15 दिन और चलेगा, क्या ले लूंगा मैं इसमें, बताओ मेरी आधे पैसा तो नहीं गई। सही बात है भाई, बहुत तो 120 रुपए तो नहीं गया। सही बात, फिर अब जी तो लगा ले। तो कितने दुखी हो आप इस चीज से, इंटरनेट ना चलने की वजह से 31 तारीख से 8-7 तारीख ने वो लगा ले। तो भाई पता क्या होता है, एक्चुअली मैं बताता हूँ अपना, इसकी भाई धान लग गए, पौध लग गई, पानी दे दिया, सब काम दे दिया, घर आके बेचारा अब आजकल टीवी वीवी का कनेक्शन भी कराता नहीं। मैं यहाँ से कम 4 तारीख को आ रहा हूँ मैं यहाँ पर देखने के लिए। अच्छा, अरे वो तो भाई आप कभी भी आओ, आपका ही घर है, रुको तो सही 2 मिनट गरीब किसान। जब मैं यहाँ लौट के देख रहा हूँ, मैंने यहाँ देखा। तो भाई सुनो मेरी बात सुनो, तो भाई और जट भाई अब बेचारा क्या करे दिन, हम इतने दुखी हो लिए, बस पूछो मत ना। हमें ये थी भाई चलो दंगे फसाद हो जाते हैं, हम अरे तो रुक जा, हम भाई देखो अपने एरिया में हम भी चाहते शांति बनी रहे भाई और पीस बना रहे। 5 तारीख तक हो गया, अब 8 तक एक्सटेंड कर दिया, इंटरनेट बंद, भाई घर पे कब तक आदमी बैठा रहेगा कि वाईफाई लग रहा है। चलो हमारे घर तो, और गांव में बहुत कम लोग वाईफाई लगा, हमारे पूरे गांव में मेरे ख्याल 4-5 घरों में वाईफाई होगा।
तो भाई ये सोच के देखो, अगर मैं घर से बाहर जाऊं, हमारे फार्म पे वो लगाता नहीं वाईफाई वाला, क्योंकि वो बोलता है भाई यहाँ से मैं तार वहां लेके जाऊंगा, वो मेन रोड पे अलग, सबसे अलग, तो उस मतलब वहां पे घर वाला कोई है नहीं और कनेक्शन कोई लेता नहीं है। क्यों अब 5G, अरे रुक जा वाईफाई यार। तो भाई वहां पे वो लगाता नहीं है, कहता है भाई वायर वूर कौन लेके जाएगा, इतनी वायर लग जाएगी मेरी, और मतलब 100 बहाने और कोई घरों में लगवाता, क्योंकि हमारे 5G चलता है, 5G अनलिमिटेड चलता है, एयरटेल जियो दोनों का, और स्पीड भी अच्छी खासी आती है। अब हमारा काम इंटरनेट से है, तो हमको वाईफाई थोड़ा चाहिए होता है, टीवी टावीजन सीसीटीवी वीसी तो बहुत सारा सिस्टम चलता रहता है। तो हमारा दिनेश अब यहाँ पे आता है रोज सुबह से शाम तक, भाई वाईफाई कनेक्ट करके यहीं अपना लीड लगा के मस्त स्क्रॉल करता रहता है। आजकल शॉर्ट्स का जमाना है, लॉन्ग वीडियोस तो कहीं चलती हैं, तो उन पे स्क्रॉल करते 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 दिनेश अपना एंटरटेनमेंट करते रहता है। लेकिन भाई मैं कम से कम रात को 10 बजे तक देख के जाता हूँ, मैं सुबह यहाँ 10 बजे से 10 बजे 12 घंटे है मेरे को, मैं सुबह से 10 बजे आता हूँ ना, खाना रोटी खाया के, और रात के 10 बजे जाऊंगा 12 घंटे पूरा चलाना ही चलाना मेरे को। इतना क्यों फोन के आप वो हैबिचुअल हो चुके हो आप घर? नहीं ऐसी आप ऐसी बात कर रहे हो, मुझे तू कल बुला ले, अगर तेरे को आके देख जाऊँ 2 घंटा सोऊंगा, सांझ के 4 बजे पे चालू कर दूंगा। बताओ क्या देखते हो आप अपने फोन को, हमें चेक कराओ भाई, ले हो इसकी हिस्ट्री चेक करते हैं, ये क्या हो रहा है, क्या ना आ रहा भाई भाई नू 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 इसकी फीड आप देखोगे तो नू 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 भाई नू नू इसने कितने मजे लिए दाल में गालो। तो भैया हमारी तो देखो ये डिमांड है सबसे, भाई सरकार अपना आप कार्रवाई करो। वैसे भाई अभी मैं करंट में यहाँ सिचुएशन बताऊँ, देखो ठीक है भाई, करंट में सिचुएशन ऐसी है कि अब थोड़ी शांति है, बुलडोजर चला रही है, जो भी कैद मतलब जो भी उसमें कल्प्रिट थे उनको जेल में ठूसे जा रही है भाई, दबा के, जिन्होंने भी दंगे फसाद करे थे सबको जेल में भर के रिमांड पे अपना बढ़िया चल रहा है। तो अभी तो काफ़ी शांति है भाई हमारे यहाँ पे, बस वो इंटरनेट की वजह से काफ़ी परेशान हो रहे हैं भाई सभी के सभी, बहुत आजकल बचा क्या है बिना इंटरनेट के बताओ ज़िंदगी में, ये वाईफाई अगर नहीं हो तो हम भी भाई क्या करते, सोच के देखो 7-8 दिन काम बंद धंधा बंद रहे तो बड़ी दिक्कत वाली बात है ना। चलो भाइयों अब हम आपको और थोड़ा विस्तार में बताना चाहते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या। तो एक और आम आदमी, हम वैसे आपको अपडेट दिया था लेकिन एक और हम आम आदमी बताइए जी क्या हुआ था। 31 जुलाई को दिन का 12 बजे सबकी शोभा यात्रा लिखा थी वहां पे नूह में लल वाली मंत्र पे, क्योंकि 2500-3000 लोग आ रहे थे ठीक है, और सब अपनी अपनी गाड़ी मारे, सबको जाम लग रहा है रोड पे, तू भी खड़ी कर दी था, आपकी गाड़ी पीछे खड़ी है, आप भी आगे खड़ी है, कोई मुझे क्या पता है या कोई मुस्लिम ऐसा हो जाएगा वो कोई ये मारी के वो सोचेगी भाई मोनू माले सर आ गया, उसका पिट्टू चीज आ गया, वो आ गया, उसकी स्वागत करेंगे, माला फैलाएंगे, वो करेंगे, चलो आज इनकी धमकी दे लो और मार लो पीट लो, ये क्या, हम तो यात्रा करने के लिए हम क्या करने आए, मंदिर में पूजा पाठ करने आए थे, सही बात है, यही बात थी और कोई हमारी कोई गलती नहीं, पेवर ने आपस में पत्थर बरसा दिया वहाँ पर, कोई नहीं पुलिस आई ना कोई कोई कंप्लेंट आया, नहीं पुलिस क्यों नहीं आई, अब देखते हैं अब ये क्या कर सके, पुलिस तो एक आध तो चार आई थी, वो क्या कर सकते हैं इतने से हैं, फिर भी ये लग लो, फिर उसके बाद में सोशल मीडिया आ गई, फिर इतने ही कमांडो आ गई, पुलिस तो आ गई, बहुत सारे आ गए, सोशल मीडिया आ गई। सोशल मीडिया कैसे आ गई थी, सोशल मीडिया जिसकी कंप्लेंट लगी ना नेट बंद होगा इसी वजह से पता चल गई, अच्छा ऐसे कि वहां पर झगड़ा होगा कि आग लग गया ऐसा होगा। तो अभी आप भी मेवात में रहते हो, अपनी मेवात में रहते हैं, तो क्या है यहाँ पे कैसा चल रहा है अब, क्या है माहौल? माहौल बहुत बड़ा ऐसा माहौल आ रहा है कि हमारे नू से लेके सोहना से कुड़गावा से पलवल फरीदाबाद सारा डिस्ट्रिक्ट बंद कर दिया है। हाँ जी पूरा माहौल यह हो रहा है कि मुस्लिम जितने भी पत्थर बरसाए उसकी दुकान फोड़ा जा रहा है, को हटाए जा रहे हैं, कवाड़िया वाले हो, होटल ढाबा वाले हो, कोई मकान मालिक हो, जो अवैध अवैध कंस्ट्रक्शन थी भाई उनको ठीक है ये है सब ये चीज हटा दिए इसलिए उनके वजह से, और नेट बंद करो। तो आप कितने परेशान हो रहे हो इस सब से, आपने भी कुछ आपका हाथ था इसमें कुछ? नहीं हाँ सब कुछ सबके हाथ में है वो तो, इस दंगे फसाद में आपका भी कोई हाथ था क्या? हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, बहुत ज्यादा ऐसा भी हो रहा है
अरे मैं कह रहा हूँ आपने भी किसी पे पत्थर वत्थर मारा था क्या? नहीं, हमने हम क्यों मारेंगे? हम तो मुस्लिम ने मारे, हम तो पत्थर ऐसे ऐसे मोटे मोटे, किसी का सबका चोट आया, वो बताते हम क्यों मारेंगे? हम क्यों गलत को करेंगे? गलत वो कर रहे हैं, बताओ हम हिंदू हैं, हम क्यों करेंगे? हमको नहीं पता भाई, तीन उस तरफ से पहाड़ है, सब घेर लिया, कहाँ जाओ अब तू बता भाई ये बात। ऐसा है भाई, ताता आ गई दिमाग में सुन के। अब ताता तो आएगी, ताता तो सबको आ रही। तो अब क्या होना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार तो वो करने चाह रही है, ये जो मुस्लिम ने जो कि पाकिस्तान का नारा लगाया, लेकिन इसका इतना नुकसान किया कि कल के किसी का ये 50 लाख की गाड़ी है, कल के मैं गाड़ी ले आऊ, मैंने खड़ी कर दी, ये आग लगा दी पूर्ति, तो कौन जिम्मेवार है इसका ये बताइए वो। अरे भाई देखो, फिर भी सारे सरकार ने चलो मुस्लिम भी लिखा दी, बहुत बढ़िया, घर फोड़ दिए, सब कच कर दिया। सारे मुस्लिम गलत नहीं है, वो जो जो बोल रहे थे पाकिस्तान जिंदाबाद, और जो बेकार थे जिन्होंने पत्थरबाजी करी उनको जेल में भर रहे हैं और उनके घर तोड़ रहे हैं। सबसे अच्छा जो बिल्डिंग पे चढ़ के पत्थर मार रहे थे वो बिल्डिंग तोड़ दिया, पूरा तोड़ेंगे और काम आता है लल्लड़ में, तो कोई एक भी एक मेडिकल भी ना बचे वहाँ पे। भाई देखो एक आम आदमी कितना गुस्सा हो रखा है, यहाँ पे हिंदू कितनी परेशान हो रखा है हमारे यहाँ की स्थिति से। पर अब तो सब ठीक है, नॉर्मल हो गया, बिल्कुल नॉर्मल हो गया। अब तो पुलिस भी CRBI सब लग रही है, सबकी चौकसी लग रही है, ये क्या करे। सबसे कहो कि अब शांति बनाए रखो, ठंडा हो जाओ। शांति बनाए रखी है, अब भी है बहुत, थोड़ा ठंडा ही चल रहा है अब तो। अब कोई भी कहीं गांव में चारों तरफ से कोई भी मुसलमान कोई दिखाई नहीं दे रहा ऐसे। अब हिंदू जा रहे हैं, कोई घूम रहा है, अब सब शांत है, अब सब ऐसे कि हाँ शांति से काम लेंगे बस। चलो भाई ठीक है, इंटरनेट चल जाएगा जल्दी, ये सब प्रशासन बैठा है ऊपर, वो सब अपने हिसाब से जो उनको सही लग रहा है प्रशासन सरकार करेगी, वो पता चलेगी कोई जवाब है। बाकी हम तो भाई एकदम ऑल गुड है, यहाँ पे कोई नहीं है, सरकार पुलिस पे पूरा भरोसा है, वो अपने आप सब अच्छा ही करेगी, है ना? बिल्कुल। और के तो हम तो बहुत बहुत धन्यवाद, हम तो लाइक करेंगे उनके सामने, बस बिल्कुल बढ़िया, हम लाइक करेंगे, लाइक करें। चलो बस इंटरनेट और चल जाए, फिर तो एकदम सब कुछ नॉर्मल। आज 7 तारीख है, आज 7 तारीख और देख रहा हूँ, और कल 8 तारीख की बंद करने की बताइए नेट तो ये देख लीजिए। चलो भाइयों शुक्रिया, थैंक यू सो मच, टाटा। लाइक करें।